So today we are going to talk about the piriformis muscle stretch. So piriformis muscle जो होती है हमारी deep muscle है. Deep muscle जो है वो gluteal region की, जो हमारे glutes region की जो deep muscle है, just behind होती है हमारे gluteal muscles के. और just beneath the piriformis muscle हमारी sciatic nerve होती है. तो जब भी piriformis muscle tight होती है तो वो क्या करती है, वो compress करती है हमारी sciatic nerve को, जिसके कारण भी हमें जो लगता है कि हमें शियाटिका हुआ है. सो हमें अगर पिरिफॉर्मिस मसल का स्ट्रेच करना हो तो आप उसको कैसे परफॉर्म कर सकते हो वो मैं आपको अभी शो करने वाली हूँ. सो अगर आपको सिटिंग पोजीशन में पिरिफॉर्मिस मसल का स्ट्रेच करना है, जब भी आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो स्ट्रेचिंग इज जस्ट अपोजिट द मूवमेंट ऑफ द पर्टिकुलर मसल. सो हमारा पिरिफॉर्मिस मसल का जो मूवमेंट होता है वो होता है हिप का एक्सटर्नल रोटेशन करवाना और जो फीमर को स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करवाना. सो जैसे हम सिटिंग पोजीशन में हैं, सो हम क्या करते हैं, हमें वन लेग को अप रखना है. फॉर एग्जांपल मुझे लेफ्ट साइड का पिरिफॉर्मिस मसल को स्ट्रेच करना है तो मैं क्या करूंगी, वन लेग लिफ्ट अप, देन उसको मैंने क्या किया, फिगर ऑफ फोर में मेंटेन करने के बाद जस्ट उसको अपोजिट शोल्डर में क्या करना है, पुश करना है टूवर्ड्स अपोजिट शोल्डर. एंड यू कैन यूज योर अपोजिट हैंड टू पुश इट बैक. So you can feel stretch over your gluteal region. You can hold it for 30 seconds and do it for 3 times. So this is a piriformis stretch in sitting position. The next stretch in supine position. Supine position में जब भी आपको piriformis stretch करना है तो patient position आपकी relax रहेगी. आप क्या कर सकते हैं, दोनों knees को आपको bend करना है. Other knee को आप क्या करोगे, जो है फॉर एग्जाम्पल अगेन मुझे लेफ्ट साइड का पिरिफॉर्मिस मसल का स्ट्रेच करना है, मैंने जो है मेरा एंकल रेस्ट किया है अदर लेग पर, देन उसके बाद उसको सेम आपको अपोजिट शोल्डर पे पुश करना है. ये हमारा इंटरनल रोटेशन हुआ, क्योंकि जो पिरिफॉर्मिस का काम था वो एक्सटर्नल रोटेशन था, तो हमने इंटरनल रोटेशन करा के पिरिफॉर्मिस मसल का स्ट्रेच किया है. होल्ड इट फॉर 30 सेकेंड टू 1 मिनट एंड डू इट फॉर 3 टाइम्स. अगेन रिलैक्स and then keep it down. The next one is, आप कैसे perform कर सकते हैं, bend your both knees. After that आपको क्या करना है, figure of four maintain करना है. Hold it with one hand, cephalic hand से आपने hold किया है, caudal hand जो other hand है उससे आपने क्या किया है, ankle को hold किया है. And जो हमारा another leg होगा it should be on resting position. And then आपको उसको maintain करना है. टेक केयर कि आपका जो है हैमस्ट्रिंग और जो हमारा लोअर लेग है इट शुड बी मेक अ डिफरेंस इन बिटवीन दी बोथ दी साइड्स एंड होल्ड इट फॉर 30 सेकेंड टू 1 मिनट. यू कैन फील स्ट्रेच ओवर पिरिफॉर्मिस एरिया एंड देन रिलैक्स इट. नाउ नेक्स्ट वन इज, यू कैन यूज द स्ट्रेच कॉर्ड. आप लूप भी यूज कर सकते हैं. सेम आपको क्या करना है, bend your both knees, again make a figure of four. अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको stretch cord से hold it from stretch cord, then again ankle and relax it. So this is another piriformis muscle stretch and then relax it. अब बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट्स किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, पेशेंट यूजुअली क्या करते हैं, दोनों नीज बैंड करने के बाद वो यहां से जो दूसरा पैर है उसको पुल करने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि आपको इस तरीके से अगर आप पिरिफॉर्मिस मसल का स्ट्रेच करते हैं तो आप डिस्क बल्ज को हो सकता है कि आप उसको इंक्रीज कर दे, उसको प्रोवोक कर दे. सो डू इट विद दिस सिंगल लेग ओनली. आप इसी तरीके से परफॉर्म करें, 30 सेकेंड से 1 मिनट तक का होल्ड रखें, 3 रिपीटेशंस कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द पिरिफॉर्मिस मसल स्ट्रेच.